प्रोपेगेंडा वेबसाइट ऑफ इंडिया से जुड़े राहुल पांडे ने 28 मई 2023 को ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बागपत का बताते हुए ट्वीट किया और दावा किया कि इन छात्राओं को नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे पहले तो आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए। शिवम दीक्षित ने भी ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया। बता दें कि शिवम आरएसएस की मुखपत्रिका पंचजन्य से जुड़े हुए हैं। वहीं और भी कई राइट विंग यूजर्स ने ऐसे ही दावे के साथ ये वीडियो ट्वीट किया है। बहरहाल ऑल्ट न्यूज ने जब इस वीडियो की जांच की तो पाया कि ये पूरा मामला सोशल मीडिया के दावे से बिल्कुल अलग है। एबीपी गंगा ने इस आर्टिकल में बताया कि ये वीडियो होशियारी देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज का है। एबीपी गंगा की इस वीडियो रिपोर्ट में कॉलेज की प्रिंसिपल मुनेश चौधरी का बयान शामिल है जो कहती है, एक प्रोग्राम हमने बच्चों का हेल्ड किया था अनेकता में एकता, तो उसमें आप भी जानते हो कि सभी धर्म के बच्चों का एक इवेंट उसमें हुआ था। तो इसमें ये एक सीन था, बच्चों का ये एक नाटक था और इसमें एक सीन था। जैसे ही मुझे पता लगा कि ये सीन क्रिएट किया जा रहा है तो मैंने तुरंत इसको स्टॉप कर दिया। और उसके बाद जब बच्चों को सामने प्रस्तुत किया गया नाटक तो ये सीन उसमें प्रेजेंट नहीं किया गया। अब ये वीडियो बना के, और काफ़ी समय पहले ये प्रोग्राम हुआ है, अब इसको वीडियो को बना के क्या इसको प्रदर्शित करना चाह रहे हैं इसका समझ में नहीं आ रहा है। और जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी है उसने 3 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई है जो इसका जाँच करेगी और इस पर सख्त से सख्त कदम उठाएगी। फिलहाल स्कूल मैनेजमेंट ने 3 व्यक्तियों की समिति को पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा है। सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो अक्टूबर 2022 का है और वीडियो में दिख रही टीचर का नाम सलमा बताया जा रहा है। ये कार्यक्रम शायद 1-1.5 महीने का है, पहले का है, और जिसमें मतलब ये था कि जो मतलब एक स्टेटमेंट होता है कि वी शुड लिव इन इंडिया टुगेदर एमिएबली, अनेकता में एकता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान के चलिए हम हिंदू धर्म के भी कार्यक्रम जैसे करवाते हैं, भाई होली या दिवाली का कोई भी सेलिब्रेशन करवाते हैं तो कोई हम यहाँ मूर्ति पूजा या पूजा नहीं करवाते हैं। इसी का मैंने तभी जब ये सीन मेरे सामने आया मैंने खंडन कर दिया था। वहीं बागपत पुलिस ने वायरल दावों का खंडन करते हुए ये ट्वीट किया था, यानी बागपत की एक कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी का वीडियो चलाकर ये झूठा दावा किया जाने लगा कि यूपी में स्टूडेंट्स को नमाज पढ़ना सिखाया जा रहा है।